दोस्तों क्या होगा अगर इंडिया की INS अरिहंत और पाकिस्तान की PNS समझा सबमरीन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, आखिर दोनों के बीच में किस में कितना है दम। अगर सबसे पहले बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो INS अरिहंत को हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने ही बनाया है, जो भारत के लिए काफी गर्व की बात है। वहीं बात करें PNS समझा की तो उसे बनाया तो पाकिस्तान में ही गया है, पर उसे बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि फ्रांस की एक कंपनी थी। इनकी साइज की बात करें तो INS अरिहंत का वेट 6000 टन है और इसकी लेंथ 333 फीट है। वहीं PNS समझा का वेट 1595 टन और इसकी लेंथ भी सिर्फ 250 फीट ही है। अगर स्पीड की बात करें तो INS अरिहंत की मैक्सिमम स्पीड 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं PNS समझा की स्पीड सिर्फ 38 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। अगर इनके हथियारों की बात की जाए तो INS अरिहंत में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 12 K-15 बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद होती है, जो 750 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। वहीं PNS समझा में टॉर्पीडोस, नेवल मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स और बाबुर 3 मिसाइल्स मौजूद होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है दोनों सबमरीन में से कौन सी है सबसे ज्यादा पावरफुल, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।